कौन से महाराज जी का लेना है देवेंद्र कीर्ति जी स्वामी जी घुमचा घुमचा देवेंद्र कीर्ति जी का डिवाइस नहीं मिल रहा है ऑनलाइन है वो ऑनलाइन है, है भारत भाई है पर दिख <laughs> <भिज्यों laughs> नहीं कौन सा डीकेएस नाम का मोबाइल है डीकेएस नहीं है ना मैं देख चुका हूँ बदला सुने स्वामी जी इच्छा में हाँ नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तो नमोकार मंत्र के नाम से जो तीरथ बन रहे हैं ऐसे तीरथ पर उपस्थित परम पूज्य प्रज्ञा आचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी के दिव्य चरणों में त्रिवार नमोस्तु आज हमारे देश के स्वतंत्रता के दिन के नाम से विशेष रूप से पूरे विश्व मना रहे हैं और इसे धर्म के मानने वाले और आचार्य श्री को मानने वाले आज आचार्य के जन्म जयंती को मना रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री को हम लगभग लग बीस लग साल से दर्शन करते हैं हर साल कहीं ना कहीं मिलने का मौका मिलता है और कभी कभी उनसे आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं और आज भी हमको लगता है कहीं भी रहे इतना वात्सल्य आचार्य श्री का मिलता है हमको हमारे सारे कार्य में जब कभी भी हम कोई भी नया योजना बनाते हैं या कुछ कार्य करते हैं क्षेत्र में तो उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं तो सदा जो मातृ वात्सल्य के नाम से जो वात्सल्य आचार्य श्री देते हैं तो उस कारण से उनका जो इतना घनिष्ठ संबंध है आचार्य श्री के अः दो हजार सात में श्रावण बिलगला में चातुर्मास हुआ था आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का संघ आचार्य श्री वर्धमान देवनंद जी महाराज जी के संघ और और भी साधु लोग थे लगभग पचास साठ से ज्यादा साधु संघ वहां पर चतुर्मास किया था उस समय आचार्य के सानिध्य में ज़्यादा समय रहने का मौका मिला और पूरे साधु सेवा करने का मौका मिला था जब दो हजार बीस दो, जार, दो जार में उत्तर भारत से यात्रा करते हुए अः बीजापुर के सहस्रपणी पार्शनाथ भगवान मंदिर के दर्शन करने आचार्य आए थे संघ सहित तब से हम आचार्य के साथ है तब से आचार्य से आशीर्वाद लेते हैं तो आचार्य श्री का जो चातुर्माश में उनका सानिध्य में कार्यक्रम हुआ था हम जो पुरानों में आगम में पढ़ते हैं हमारे पूर्व आचार्य लोग बड़े बड़े विद्वान थे शास्त्रार्थ करते थे बड़े बड़े विद्वान जो अन्य धर्म के साथ शास्त्रार्थ करके जीते हैं ऐसे हम पढ़े ले हैं लेकिन देखा नहीं कोई लिखा हुआ शास्त्र को किताब को हम पढ़े हैं लेकिन जो आर्ष परंपरा के बारे में हमारे जैन धर्म के कोई भी विषय को लेकर निरर्घल और निरंतर अखंड रूप से अगर बोलने का अगर किसी के पास शक्ति है तो वो आचार्य श्री के साथ है तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा तक तत्व सूत्र के ऊपर दो दो घंटे तक उन्होंने प्रवचन किए दस लक्षण के धर्म के ऊपर और अन्य संदर्भ भी परम आचार्य श्री का जो मंगलकारी उपदेश सुनने को मिलता था और विशेष रूप से जब कभी भी अपने आर्ष परंपरा की बात आती है तो निरर्गल रूप से आचार्य श्री अपना प्रवचन देते थे वादी विद्यानंद आदि अनेक अकलंक आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे धर्म में जो शास्त्रार्थ करके हमारे जैन धर्म को जीता है हो सकता है ऐसे ही आचार्यों का हंश है वैसे आचार्यों का ही आशीर्वाद है जो आप हाँ पंचम काल में भी ऐसे निरर्गल शास्त्रार्थ करने वाले अगर आ, कोई आचार्य है हमारे तो आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज है आज उनका जो प्रेरणा से उनके अनेक साधुओं का सा, मार्गदर्शन मिला है आज पूरे भारत में आचार्य श्री कुंत सागर महाराज जी का विशेष रूप से जो उन्होंने शिष्य संपदा बनाए हम बोलते रहते हमारे पास फैक्ट्री है कंपनी होगा दुकान होगी घर होगा फ्लैट होगा साइट्स होगा ये कुछ भी हमारे साथ नहीं आते हैं लेकिन ये जो पुण्य के मार्ग को बताने वाले शिष्य संपदा है ये निरंतर हमारे जैन धर्म की परंपरा को लेके जाने वाले हैं ऐसे संपत्ति को आचार्य गणधराचार्य श्री कुंत सागर महाराज जी ने हमारे समाज को दिया है एक और स्वतंत्रता का दिवस और एक स्वतंत्र आत्म स्वतंत्रता का बताने वाले पुण्य पुरुष का जन्म जयंती तो बहुत बहुत आचार्य श्री का हमारा नमोस्तु है आपके जो दिशा निर्देशन पे नमोकार मंत्र तीर्थ का जो निर्माण चल रहा है हम लोगों ने पढ़ा इतिहास अः वैसल राष्ट्रकोट आदि अनेक राजवंशाओं के स्थापना के लिए जैनाचार्यों का प्रेरणा से हुई। आज हम लोग सुनते रहते हैं साधुओं का ये काम नहीं है साधुओं का वो काम नहीं है तो आप इतिहास पढ़ो इतिहास में देखो बारह हजार साधुओं को सम्राट चंद्रगुप्त ने लेके आए अपने आप नहीं आए साधु लोग राजा लोग लेके आए तो ही साधु आए और जहां जहां साधु रुके वहां सब तीर्थ बने इतिहास है जहां साधु रहे वह तो नया मंदिर ही बना उस समय तो आज हजार साल हो गए तो हम बोलते उसको तीरत। बोलते उसको हैं कि आज नया मंदिर की जरूरत क्या है नया तीरथ की क्या जरूरत है ये पचास सौ साल बाद यही पुराने होते हैं ये थोड़ी नया आराम से रहेगा जो हजार साल पहले बना वो आज तो पुराना तीर्थ हो गया आज जो बन रहे वो भी पुराना होगा तो इन तीर्थों के द्वारा ही हमारा संस्कृति और समाज जो हमारा समाज का जो प्रेरणा मिल रहे हैं अगर आज इतिहास में देखते हैं अगर हम पांच हजार साल में अरब अरबपा मोहनजग में मूर्तियां मूर्तियों का उल्लेख का जो काइंस वगैरह नहीं मिलते हैं तो मूर्ति का अगर कहीं भी अगर उल्लेख नहीं मिलता तो जैन धर्म का इतिहास कौन पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते तो जैन धर्म सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं मानते थे लेकिन जब ऐसे शिला लेखों का ऐसे मूर्तियों का मिलने से ही हमारा धर्म को हमारे धर्म में मूर्ति पूजा का और आज जो आश परंपरा का हम मान रहे हैं ये सबका उल्लेख इतिहास में मिलता है आज एक बाहुबली के कारण से पूरे विश्व में दिगंब ऋतु का परिचय होता है ऐसे आज कम है हमारे समाज और हमारे सम, संख्या के हिसाब से बोलते हैं हमारे जैन समाज की संख्या से ज्यादा मूर्तियों क्या ये तो कुछ भी नहीं है तो हमारे जो आचार्य बोले हैं कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना बोले तो इतना आसान नहीं है तो ये एक प्रतिमा बना दिया एक मंदिर बना दिया इतना आसान से हमारे लिए को प्राप्त नहीं हो सकता तो उसके लिए इतना मूर्ति पूजा इतना धान धर्म करने के अनेकों भवो का पुण्य से मिलता है तो इन सब कामों में आचार्यों का आशीर्वाद है बड़े बड़े संस्थान बनाने के लिए आचार्यों का मुनियों का आशीर्वाद रहा आज हम लोग बहुत बुद्धिजीवी है हम लोग कुछ भी बना सकते हैं लेकिन यही इतिहास बनेगा एक बना एक शास्त्र रचना हुई एक मूर्ति बना ये सब आगे का इतिहास है जैन धर्म को आगे तक बनाए रखने के लिए तो हम विचार करने वाले बहुत सरल है कि हम उसको कुथर्क देने के लिए बहुत सारे सब चीज मिलेगा लेकिन तीर्थों के द्वारा ही हमारा जैन धर्म का प्रचार और प्रसिद्धि मिलेगा और उसके कारण से ही मूर्ति के द्वारा ही पूरा हमारा धर्म का आज हमारे दादा परदादा को फोटो देख के हम बोलते हैं हमारे परिवार का इतिहास है तो हमारे तीर्थंकरों को मूर्तियों का देख के हजार साल के बाद बोलेंगे ये मूर्ति इनके आचार्य के आशीर्वाद से हमारे जैन धर्म के प्रतिमा बनी इन आचार्य के प्रेरणा से ये तीर्थ बना तो ये सब कोई लेके जाने के लिए नहीं बना रहे सब हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बना रहे हैं इन तीर्थों के द्वारा हमारा धर्म की और संस्कृति का रक्षा हो और आचार्य श्री सदा आगम की चर्चा और आगम की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन को समर्पित है हम आज जगन माता पद्मावती माता से प्रार्थना करते हैं आचार्य श्री के हर धर्म कार्य में वो तो अभी साथ देते ही रहते हैं तो हम आगे के लिए भी बोलते हैं तो हम भी आज भी सुबह प्रार्थना की है उनके जो भी आगे की भविष्य योजना है और अपने जैन धर्म की जो साधु संतों